जवाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। महंगाई दर थोड़ा हाथ पीछे कर लो आप लोग। अरे कैमरे पीछे कर लो, सबके आ जाए यार। भाई बता क्या बोल रहा। उत्तर प्रदेश और देश की जनता में महंगाई से त्रहीमाम मचा हुआ है। हर तरफ गरीब जनता की महंगाई से कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें हमने बढ़ती हुई गैस सिलेंडर, बढ़ती हुई सब्जियों के दाम, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर अंकुश लगाने की मांग की है। यदि केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार यह अंकुश नहीं लगा पाती है और गरीब जनता और मध्यम वर्गीय की कमर तोड़ने का कार्य करती है, तो ऐसी सरकारों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का काम किया जाए, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं। बता दिया। हम सभी समाजवादी लोग आज महंगाई के विरोध में यहाँ आए हुए हैं, और जिस तरीके से 2014 में केंद्र सरकार की सत्ता में आए मोदी जी, उन्होंने भय, भूख और भ्रष्टाचार को लेकर एक नारा दिया था कि हम महंगाई कम करेंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आज हमारे साथ में हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, मुझे एक वो कथन याद आता है। उस कथन में एक मुर्गा कहीं चुपचाप बैठा हुआ था। उस मुर्गे से किसी ने पूछ लिया, ए मुर्गे तू इतना चुपचाप शांत क्यों बैठा है? उस मुर्गे से कहा कि क्या तुझे बर्ड फ्लू हो गया है, स्वाइन फ्लू हो गया है, या किसी मुर्गी से इलू हो गया है? उस मुर्गे ने कहा, ना मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है, ना अमित शाह की तरह स्नो फ्लू हुआ है, ये समय समय की बात है। इस भारतीय जनता पार्टी में मेरा भाव प्याज से भी कम हो गया है। आज भारत वर्ष में, पूरे उत्तर प्रदेश में प्याज के भाव जो है वो आसमान को छू रहे हैं। जिस तरीके से प्याज का भाव आज 80 रुपए और 100 रुपए बेचा जा रहा है, काला बाजारी हो रही है। मैं इसके माध्यम से, ज्ञापन देने के माध्यम से ये कहूँगा कि काला बाजारी खत्म हो, प्याज सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो, डीजल सस्ता हो, रसोई गैस सस्ती हो। हम लोग सभी ये लोग आपके माध्यम से, आप